शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के पांटा बांगला मैदान में क्षेत्र के सभी ऑटो और टैक्सियों को सैनिटाइज किया गया है। इस दौरान चालकों को एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने बताया कि जैसे ही टैक्सियों और ऑटो चलाने के निर्देश सरकार की ओर से मिलते हैं, उसके बाद चालकों को कोरोना संक्रमण का ख्याल रखते हुए शर्तों के साथ वाहन चलाने होंगे। उन्होंने ऑटो में सवारियां बिठाते समय संक्रमण ना हो, इसके लिए ऑटो के भीतर कुछ बदलाव करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने चालकों को बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव का सबसे सुरक्षित और कारगर तरीका सामाजिक दूरी, मास्क लगाना और समय समय पर वाहनों को सैनिटाइज करना है। इस दौरान देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना निर्माता एसजेवीएन की नाथपा झाकड़ी पावर स्टेशन के अधिकारियों ने भी सभी वाहनों को सैनिटाइज करते हुए कोरोना के बचाव के टिप्स भी दिए। एसडीएम नरेंद्र चौहान ने बताया कि कोरोना के इस प्रकार के संक्रमण को रोकने के लिए और आम जनता को सुरक्षा प्रदान की जाए, ये ध्यान में रखते हुए ऑटो और टैक्सी चालकों को जागरूक किया गया। वाहनों को सैनिटाइज करने के साथ ही उनमें अनावश्यक व संक्रमण में सहयोग करने वाले एसेसरीज को भी वाहन से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के संक्रमण के खतरे को रोका जा सके और आम जनता की जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, यही हमारा आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और आगे भी समय समय पर हम इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाया जा सके। तो क्या इन ऑटो और टैक्सी चालकों को गाइडलाइंस भी दिए जा रहे हैं किस तरह से चलाया जाना आगे? अभी हमने इनके साथ बात की क्योंकि काफ़ी सारी इनकी एक्सेसरीज जैसे इसमें लगी होती है, तो देखते हैं अभी तो जैसे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से होती है तो उसमें क्या पॉलिसी बनती है, तो जिस हिसाब से पॉलिसी बन के आएगी उस हिसाब से इनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इनके साथ एक मीटिंग की जाएगी और उनको आगामी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसी तरह टैक्सी के लिए भी जो भी जिस तरह की अधिसूचना में जैसे भी निर्देश होंगे उसके अनुरूप इनके साथ मीटिंग करके आगामी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पीएस नेगी महाप्रबंधक नाथपा झाकड़ी परियोजना ने बताया कि निगम प्रमुख के मार्ग निर्देशानुसार सावधानी स्वरूप सभी टैक्सियों और ऑटो को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान वाहन चालकों को सफाई और स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया और इवन पर्यावरण, यहाँ तक कि हमें ये भी कहा गया है कि स्वच्छता का यदि हम ध्यान रखते हैं और इसमें टॉयलेट्स को लेके एक जोर दिया गया है कि आपने स्वच्छता जो है वो घर से सोसाइटी से शुरू करनी है, उसके लिए एसजेवीएन कार्य कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि कल से 1 जून से यातायात शुरू हो रहा है, टैक्सीज शुरू हो रही हैं शर्तों के अनुसार। इसमें हमारे एसजेवीएन के जो मुखिया हैं श्री नंदलाल शर्मा जी, उनकी ये सोच है कि ये प्रयास किया जाए रामपुर में जितनी टैक्सीज हैं ऑटोज हैं उनको सैनिटाइज करें। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष देवी सिंह बुशहरी ने बताया कि स्थानीय प्रशासन और जल विद्युत परियोजना निर्माताओं की ओर से वाहनों को सैनिटाइज करने के साथ साथ जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं जिनको वे बखूबी पालन करेंगे ताकि संक्रमण ना फैले। शहर ऑटो ऑपरेटर यूनियन रामपुर आज स्थानीय प्रशासन द्वारा नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट के सजाने से यहाँ पे ऑटो टैक्सी को सैनिटाइज किया जा रहा है तथा जिसमें हमें सामाजिक दूरी और सोशल डिस्टेंस के साथ पब्लिक को सेवा देने के लिए, पब्लिक की सुरक्षा देने के लिए निर्देश दिए, प्रशासन द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं तथा हम उनका पूर्ण रूप से अनुपालन करेंगे और हर चीज़